हाय गाइस, बैक ट्रैकिंग में अपना अगला सवाल है। लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल आफ्टर एटमोस्ट के स्वैप्स। तो तुम्हें ना एक स्ट्रिंग दी गई है, नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और एक नंबर दिया गया है चार, जिसमें आप चार स्वैप कर सकते हो, और चार स्वैप करके जो लार्जेस्ट नंबर बना सकते हो वो बना दो और प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये करना हमको। तो देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, हम बैक ट्रैकिंग को इस्तेमाल करके इसको हम कर सकते हैं। ये है आपके पास। तो पहला लेवल है पहले स्वैप के लिए, पहला लेवल है पहले स्वैप के लिए, दूसरा लेवल दूसरे स्वैप के लिए, तीसरा लेवल तीसरे स्वैप के लिए, चौथा लेवल चौथे स्वैप के लिए। तो हम ना देखो, स्वैप करने के लिए कितनी ऑप्शंस है मेरे पास, एन स्क्वायर ऑप्शंस हैं। कौन सी? इसको इससे स्वैप कर दो, 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 या टू को थ्री से कर दो, टू को फोर से कर दो, टू को फाइव से कर दो, टू को सिक्स से कर दो, टू को सेवन से कर दो। जो आई जे का लूप होता है, बाहर चलेगा आई का लूप, ठीक है, और अंदर चलेगा जे का लूप। आय रखा यहाँ पर, तो उसको इनमें से किसी के साथ भी स्वैप किया जा सकता है। अगर आय होता यहाँ पर तो इनमें से किसी के साथ भी स्वैप किया जा सकता है, आय होता यहाँ पर तो इनमें से किसी के साथ भी, आय होता यहाँ पर तो इनमें से किसी के साथ भी स्वैप किया जा सकता है। तो हम सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे कि पहला स्वैप कौन सा किया जाए। ठीक है, स्वैप करने के लिए एक तो ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? ज़रूरी चीज़ ये है, नंबर बड़ा तब बनेगा जब लेफ्ट पे छोटा नंबर हो और राइट पे बड़ा हो। जैसे अगर ये नंबर होता 7654321, तो आप कोई स्वैप करके इससे बड़ा नंबर बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम स्वैप सिर्फ तब करेंगे, एक आई चलता जाएगा और एक जे चलता जाएगा, जे आई से आगे चलेगा, आई को यहाँ पे रख के जे यहाँ से यहाँ मूव करेगा। जब जब जे वाला करेक्टर आई से बड़ा होगा तो हमें एक पॉसिबल स्वैप मिल गया, हम स्वैप करके कॉल लगा देंगे। जैसे पहला स्वैप है 1 2 का, स्वैप कर लिया तो नंबर बना 2 1 3 4 5 6 7 लेकर यहाँ पर पहुँच गए। अगला स्वैप पॉसिबल है 1 3 का, स्वैप करके यहाँ आ गए 3 1 3 2 1 4 5 6 7 लेकर आ गए। अगला स्वैप पॉसिबल है 1 4 का, स्वैप कर लिया 4 2 3 1 5 6 7 लेकर यहाँ आ गए। अगला स्वैप पॉसिबल है 1 5 का, तो 5 2 3 4 1 6 7 लेकर आ गए। सो ऑन एंड सो फोर्थ, 6 और 7 के साथ ही स्वैप पॉसिबल है, वो मैंने नहीं दिखा रहा। फिर आई आ जाएगा 2 पर और जे यहाँ से लूप लगाएगा। यहाँ पर मैंने 1 6 और 1 7 वाला नहीं दिखाया, 1 6 वाला लिख देता हूँ बस ऐसे, 1 7 का स्वैप भी पॉसिबल है। जब वन वाले सारे हो जाएंगे फिर 2 को 3 के साथ स्वैप किया जा सकता है, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को 7 के साथ। जब 2 को 3 से स्वैप कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 1 3 2 4 5 6 7। तो आई का लूप और जे का लूप चलेगा, बस ये ध्यान रखना है आई का लूप बाहर चल रहा है, अंदर जे आई से आगे आगे चलेगा। पहली बात, मतलब जे इज टू द राइट ऑफ आई। ऑल्सो जे वाला करेक्टर स्वैप होने के लिए आई से बड़ा होना चाहिए, तभी स्वैप होकर बड़ा नंबर बनेगा। ऐसा स्वैप करके जब तुम ऊपर कॉल लगाओगे ना, यहाँ पर के 4 स्वैप्स अवेलेबल थे, तो यहाँ पर अब 3 ही स्वैप अवेलेबल है, क्योंकि एक स्वैप तो तुम कर चुके हो। ऐसे ऐसे करते रहिए, जब आपके पास नंबर ऑफ स्वैप्स अलाउड 0 हो जाएंगे, उससे आगे आप जा नहीं सकते। तो इस जर्नी में जितने भी नंबर्स प्रोड्यूस होंगे, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। तो लेट अस ट्राई टू राइट दिस कोड अप नाउ, फिर किसी छोटे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, हमने एक स्टैटिक मैक्स ले रखा है स्ट्रिंग, उसमें इनिशियलाइज कर रखा है, फाइंड मैक्सिमम को कॉल लगाया, और इस कॉल के अंदर मुझे मैक्स को सेट करना है, इवेंचुअली बस मैक्स को प्रिंट कर दूंगा। तो देखिए मेरी ऑप्शंस, ये है मेरी ऑप्शंस, मैंने आई का लूप लगाया, सारे करेक्टरों पे जा रहा हूँ, लास्ट वाले पे नहीं जाऊँगा। लास्ट वाले पे क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि जे हमेशा आई से आगे होना चाहिए। ठीक है, तो जे कहाँ से चालू होगा? आई प्लस वन से, जे इज टू द राइट ऑफ आई ऑलवेज। फिर जे जाएगा बिल्कुल एंड तक, स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक, जे प्लस प्लस। ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 की बात करूं यहां पर, तो आए जब यहां है तो जे इस पूरे में घूम गया, आए जब यहां है तो जे इसमें घूम गया, आए जब यहां है तो जे इनमें घूमेगा, आए यहां है तो जे इनमें घूमेगा, आए यहां है तो जे इनमें घूमेगा, आए यहां है तो जे इसमें रहेगा, आए यहां कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, अब एक और चीज हम चेक करेंगे, ये तो ठीक है, अगर जे वाला कैर बड़ा हुआ आए वाले कैर से, आप कहोगे कैर कैसे कंपेयर हो सकते हैं, अपने आसकाई पे, ठीक है ना, 0 का आसकाई 1 के आसकाई से छोटा होता है। तो अगर जे का आसकाई ए के आई के आसकाई से बड़ा हुआ, मतलब जे वाला कैर आए वाले कैर से बड़ा है, तो हम स्वैप करेंगे। मैं स्वैप का एक फंक्शन लिखूंगा जो आईएथ और जेएथ पोजीशन को स्वैप कर देगा। स्वैप किया, अब कॉल लगा दीजिए, फाइंड मैक्सिमम
स्वैप करने के बाद लेट अस से आपके पास स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग स्वैप्ड स्ट्रिंग है ना मेरे पास, स्वैप्ड स्ट्रिंग। असल में देखो स्ट्रिंग जो मैंने पास की उसमें तो असल में चेंज हो नहीं पाएगा, तो इसको स्वैप करके जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो स्वैप्ड में आ जाएगी। तो हम ऊपर स्वैप्ड स्ट्रिंग पास करेंगे और के माइनस वन पास करेंगे कि अब इतने ही आपके पास पॉसिबल है। ठीक है, इस केस में मुझे स्ट्रिंग को वापस बैक ट्रैक करके ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चेंज आया था वो मैंने स्वैप्ड में पकड़ा था और वही पास किया था। वापस आएंगे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में तो कोई चेंज हुआ नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अब यहां पर हम क्या चेक करेंगे हमेशा, इफ इंटीजर डॉट पार्सेंट, जो ये नई स्ट्रिंग आप लेकर आए हो यहां पे स्वैप्ड पास किया था ना वो स्ट्रिंग में रिसीव होगा, तो अगर वो इंटीजर डॉट पार्सेंट जो आपका मैक्स स्टैटिक है बड़ा, उससे बड़ा है तो मैक्स में ये स्ट्रिंग पकड़ लें, और अगर आपका के जीरो हो गया है ना तो रिटर्न कर जाएं। क्यों रिटर्न कर जाएं, के जीरो का मतलब है अब देयर आर नो मोर स्वैप्स अलाउड, के जीरो होने का मतलब है अब और स्वैप अलाउड ही नहीं है, तो इससे आगे आप जा नहीं सकते। ठीक है, तो कोड हमारा मोर लेस हो गया है, बस हमें स्वैप का फंक्शन लिखने की जरूरत है, तो हम ये स्वैप का फंक्शन लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग स्वैप, स्ट्रिंग str मुझे पास की गई, इंट i पास किया गया, इंट j पास किया गया। अब देखिए इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, अगर ये होता a b c d e f g h, कोई मुझे कहता c और f को स्वैप कर दो, तो इनके इंडेक्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, मैं पता क्या करता, मैं ये लेफ्ट वाला पार्ट निकाल लेता, मिडिल वाला पार्ट निकाल लेता, राइट वाला पार्ट निकाल लेता, फिर क्या करता, लेफ्ट प्लस जे वाला करेक्टर मतलब एफ प्लस मिडल पार्ट प्लस ये वाला करेक्टर प्लस राइट, अभी है लेफ्ट, अभी ये है लेफ्ट प्लस आई प्लस मिडल प्लस जे प्लस राइट, तो आईएथ करेक्टर निकालता, जेएथ करेक्टर निकालता, लेफ्ट पार्ट निकालता, मिडल पार्ट निकालता, राइट पार्ट निकालता, स्ट्रिंग कैसे बनाता, लेफ्ट प्लस जे प्लस मिडल प्लस आई प्लस आर, तो अपने आप ही स्वैप हो जाता। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें यहां करके दिखाता हूं, देखिएगा कैर आईएथ कैर कैसे मिलेगा मुझको, स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई से, जेएथ करेक्टर मुझे कैसे मिलेगा, स्ट्रिंग डॉट कैर एट जे से, लेफ्ट कैसे मिलता है, स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ 0, i से, 0, i में i कभी भी नहीं आता, मिडल पार्ट कैसे मिलेगा, मिडल पार्ट आपका i से पहले स्टार्ट, i के बाद स्टार्ट हो रहा है और j से पहले खत्म है, तो स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ i प्लस वन, i नहीं लेना, और j बोलोगे तो j वो खुद ही नहीं लेता, i प्लस वन से j मतलब i प्लस वन से j माइनस वन हो गया ये, और राइट पार्ट कैसे मिलेगा आपको, स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ j प्लस वन, जे प्लस वन से एंड तक, तो इसने आपको 0, i-1 तक दिया, ये आईएथ करेक्टर है, इसने आपको i प्लस वन से j माइनस वन दिया, ये jth करेक्टर है, इसने j प्लस वन से एंड दे दिया, और रिटर्न देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट प्लस jth प्लस मिडल प्लस आईएथ प्लस राइट। ठीक है, तो ये कोड आपका चलेगा। मैं अगर आपको बैक ट्रैकिंग का फील देना चाहता हूं तो मैं पता क्या बोलता, कि देखो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में स्वैप करके स्ट्रिंग को चेंज कर लिया, यहां पर वापस स्ट्रिंग को रीस्टोर करो पहले जैसी बनाओ, तो दोबारा से आई जे को स्वैप कर लो, दो बार स्वैप होगे तो सेम बन जाओगे जो थे, तो स्वैप करके बदला, कॉल लगाया, फिर स्वैप करके वापस नॉर्मल कर लिया। ठीक है, तो हो गया हमारा कोड, लाइव से रन करके देखते हैं, तो कोई कंपाइल टाइम एरर हो गई, कैन नॉट फाइंड सिंबल, फाइंड मैक्सिमम नाम का सिंबल ही नहीं मिला उसको, कौन सी लाइन पर, 33rd लाइन पर, तो मुझसे स्पेलिंग में गलती हुई होगी, अब चला के देखते हैं, कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल स्वैप्ड, अच्छा हाँ वेरिएबल स्वैप्ड कोई वेरिएबल नहीं है, उसका नाम अब मैंने स्ट्रिंग वापस कर दिया था, लाइए अब चला के देखते हैं, तो अब कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, सबमिट करके देखते हैं, तो सबमिट हो जा रहा है। ठीक है, देखिए ट्री मैंने ऐसा नहीं बनाया है, मैं छोटा ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ जाएं, यही कोशिश करते हैं। देखिए अगर मुझे आप पास करते, लेट अस से नंबर पास करते 3, 8, 1, 6, 4, तीन स्वैप्स या दो स्वैप्स अलाउड हैं,
तो देखो पहले लेवल पे मैं अपना पहला स्वैप करता, 3-8 का स्वैप बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैं 83164 पास कर देता। 3-1 का स्वैप से छोटा नंबर नहीं, बड़ा नंबर नहीं बनेगा। 3-6 सेंसिबल है, 6-8-1-3-4 सेंसिबल है, 4-8-1-6-3। अब आए यहां पे रखे, जे यहां पे सब जगह घुमा लिया, अब आए को यहां रखो, जे को इधर घुमाओ। 8-1 का स्वैप अच्छा नहीं है, 8-6 का स्वैप अच्छा नहीं है, 8-4 का स्वैप अच्छा नहीं है, आई को यहां रख के जे इधर घुमाओ। 1-6 का स्वैप सेंसिबल है, 3-8-6-1-4। 1-4 का स्वैप सेंसिबल है, आई को यहां रखा, जे को यहां, तो 3-8-4-6-1। अब आई को यहां रखा, जे को यहां रखा, तो कुछ बना नहीं और खत्म हो गया लेवल। तो पहले स्वैप्स में तो आपको कितने स्वैप्स अलाउड थे, मैंने कहा था लेटेस्ट से कि दो स्वैप्स अलाउड है, ऊपर वाले लेवल पे एक ही स्वैप अलाउड है। अब यहां से एक एक स्वैप आप और कर सकते हैं, तो अब एक एक स्वैप अलाउड है हर जगह, मतलब एक ही लेवल और बनेगा। तो अब आई को यहां रखा, जे को इन सब जगह रखूंगा, 83 अलाउड नहीं, 81 अलाउड नहीं, 86 अलाउड नहीं, 84 अलाउड नहीं। अब आई को यहां पर, जे को यहां पर, 31 ठीक नहीं है, 36 ठीक है, तो 86134। 3 को यहां, 4 को यहां, ये भी अलाउड है, 84163। अब आई को यहां, जे को यहां, 16 अलाउड है, 83614। 1 को यहां, 4 को यहां, 83461। अब आई को यहाँ, जे को यहाँ, ये अलाउड नहीं है, ऐसा ही इनके लिए भी करेंगे सबके लिए, इससे ऊपर कोई लेवल बनेगा नहीं। इन सब में जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो आपका आंसर बन जाएगा, जिसको हमने इंटीजर डॉट पार्स आते ही हम यही करते हैं, स्ट्रिंग को मैक्स से कंपेयर करते हैं, अगर वो हरा देता है मैक्स को तो मैक्स को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सबमिट तो हो ही चुका है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉलेज के बच्चों को बांटें, उनका भी बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।